आपको बता दें कि इस कैबिनेट विस्तार में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन कैबिनेट विस्तार हुआ और सभी समीकरण, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रवार समीकरण हो, या फिर महिला या पुरुषों के सामंजस्य की बात हो, चूंकि महिलाओं को भी मौका दिया गया, 5 महिला कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं, जिसमें स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री दोनों ही शामिल हैं, 5 महिलाएं और 28 कैबिनेट मंत्री कुल मिलाकर यहां पर आज शपथ, जिन्होंने राजभवन में शपथ ली है। और अब तक जो चर्चा चल रही थी, जो कयास चल रहे थे, उन पर अब विराम लग चुका है। बड़े चेहरों की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल सरीके नेता यहां पर कैबिनेट का हिस्सा बनाए गए हैं। तो मोहन मंत्रिमंडल में प्रहलाद पटेल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली और मंत्री बनने के बाद प्रहलाद पटेल से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। अटल जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक के साथ काम करने वाले प्रहलाद पटेल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अब मध्यप्रदेश में वो बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। सर, आगे क्या कुछ अब प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? नहीं, मुझे लगता है कि प्राथमिकताएं तो घोषित है पार्टी की, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का जीवन हमसे बेहतर हो, किसान को उसकी कीमत भी मिले, उससे सम्मान भी मिले, और ये काम मोदी सरकार ने किया है। अब हमारे लिए जरूरत है कि हम सदन के भीतर और सदन के बाहर, तो मैं आज सदैव अटल बिहारी वाजपेयी को इसलिए स्मरण कर रहा हूँ क्योंकि आज उनकी जन्म जयंती है। मोदी सरकार उसे सुशासन के तौर पर बनाती है और जो सीख उन्होंने मुझे दी है, मैं ये मानता हूँ कि सदन के भीतर मर्यादित रहना और सार्वजनिक जीवन में सुशासन को ताकत के साथ स्थापित करना, तो आम आदमी को न्याय मिलेगा, इसकी गारंटी है, इसके लिए काम करेंगे। आपने बहुत सारे नए चेहरों को भी सर पार्टी ने आगे किया है, मौका दिया है, ये बहुत उनसे, इसके लिए पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रहलाद पटेल हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि सुशासन को स्थापित करके हम लोग आगे काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और आज के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उनको दिखाए पचिन्हों पर पार्टी चलेगी और आने वाले समय में जन कल्याण के जो काम है उनमें और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और मोहन मंत्रिमंडल में कृष्णा गौर भी शामिल हुई हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आइए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, कृष्णा गौर जी को मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। मैम, कितनी उम्मीदें थी इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है? नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल का गठन पार्टी कार्यकर्ताओं की क्षमताओं के आधार पर, कार्यकर्ता की योग्यता के आधार पर करती है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मेरी पार्टी ने अगर मुझे अवसर दिया है तो मैं पार्टी की अपेक्षा पर खरा उतर कर दिखाऊंगी। पुराने चेहरों के साथ साथ आप जैसे नए चेहरों को भी, पहली बार के विधायक भी बने, महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व कैसे दिखती है? हाँ, स्वाभाविक रूप से हमारे वरिष्ठों को भी अवसर मिला है, नयों को भी अवसर मिला है। इस बात का प्रतीक है कि नई पीढ़ी, नई लीडरशिप डेवलप करने का काम भी अब पार्टी कर रही है। बड़ों का मार्गदर्शन लेकर छोटे बेहतर काम सीखेंगे भी और करेंगे भी। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर क्या रोड मैप है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की हर गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के विकास में नई गाथा लिखेंगे। तो यह है मंत्री कृष्णा गौर, जिनका साफ तौर पर यह कह रहा है कि मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखने का काम जो है ये सरकार करेगी, और जिस तरीके से पुराने चेहरों को तो स्थान दिया ही दिया है लेकिन नए चेहरों को भी तवज्जो दी गई है, और ये बताता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक नई पीढ़ी को डेवलप करने का काम करने में जुटी हुई है। वह राजभवन गई थी, राजभवन से सीधे पहले वह मंदिर पहुंची, दर्शन किए और उसके बाद अब समर्थकों के साथ घर पर जश्न मनाने के लिए पहुंची हुई है। कैमरा जतावर के साथ सैलेंस न्यूज 18 भोपाल। और मोहन मंत्रिमंडल में संपतिया उइके ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मंत्री बनने के बाद संपतिया उइके ने कहा कि वो जनता से किए वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगी। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके जी हैं। संपतिया जी, नई जिम्मेदारी, नई जोश के साथ, नए उमंग के साथ। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को राज्यसभा से आज मुझे यहां पे विधायक बनाए और विधायक बनाने के बाद आज यहां पे मंत्री का शपथ ली। आज इस अवसर पर जो आज हमारे पार्टी के, हमारे जो पार्टी को बढ़ाने वाले कुशल संगठक, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, आज अटल पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आज
भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के विस्तार के लिए आज इतना अच्छा दिन चुना, इसके लिए भी मैं हृदय से बहुत बहुत संगठन को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और आज मैं अभी पार्टी कार्यालय में राजभवन से निकल करके पार्टी सीधे पार्टी कार्यालय ही आई और आज अटल बिहारी वाजपेयी के श्री चरणों में मैं आज पुष्प अर्पित करते हुए आज मुझे वो हमारे जो ऐसे जो संगठन को यहाँ तक लाए उनको भी मैं नमन की हृदय से और बहुत धन्यवाद दी कि आज हमारे 10 लोगों के चल करके पार्टी आज इतना बड़ा पार्टी बना आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आज हमारे बड़ी संख्या में विधायक जीत करके आए और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान दिए। जनजाति समाज के बारे में लोग बार बार बोलते थे कि हम जनजाति समाज के शुभचिंतक हैं, किंतु भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 3 महिलाओं को, जनजाति समाज की बहनों को आज मंत्री के शपथ दिलाने का काम किए, मैं पूरे आदिवासी वर्ग और आदिवासी समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, शीर्ष हमारे मंत्री मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे संगठन के सभी मुखियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी, अब हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले तो जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी, हमारे गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेकर के काम करने वाले इतनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम नीचे स्तर तक जो हमारे वंचित शोषित हैं उन तक पहुंचाएंगे। और बहुत अच्छा काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो काम कर रहे हैं, उन योजनाओं को नीचे स्तर तक पहुंचाने का प्राथमिकता हमारी रहेगी। संपत्तिया विके जी और कह रहे हैं जो टारगेट केंद्र ने सेट किए हैं उन्हें, उन कामों को हम जमीन तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। और मंत्री बनाए गए दिलीप जायसवाल से भी बातचीत की हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे ने। साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल जी इस वक्त हैं। दिलीप जायसवाल जी, अब नई जिम्मेदारी है लेकिन चुनौती बड़ी है 24 की। कोई चुनौती नहीं 24 की, और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दिया है उसके लिए पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूं, आभारी हूं। संगठन ने, चाहे प्रदेश संगठन व केंद्र संगठन ने मुझ पर भरोसा जो किया, उनके भरोसे पर हम पूरा खरा उतरेंगे। प्रायोरिटी क्या रहेंगी हमारी? प्रायोरिटी तो हमारी सरकार व संगठन तय करती है, उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। प्रदेश का हमारा विकास जी, विकसित प्रदेश बने। अभी हमारी एक यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये मोदी जी की प्रायोरिटी है कि 2047 में हमको विकसित भारत बनाना, उसी के आधार पर हमको मध्य प्रदेश को भी विकसित बनाना है, जिससे कि हमारा प्रदेश में व देश में कोई भी भूखा ना हो, कोई भी गरीब ना हो, हर जगह पर सब कुछ हो जी। ठीक है, पोर्टफोलियो तो अभी मिलेगा लेकिन क्षेत्र को लेकर आपकी कुछ प्राथमिकताएं होंगी? जरूर है, मेरी पहली प्राथमिकता वहाँ का कृषि के क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़े, व दूसरा कुछ उद्योग स्थापित हो, व तीसरा बच्चों के शिक्षा पर अच्छा से अच्छा काम हो व फ्री ऑफ कोचिंग का, जिससे मेरा गरीब क्षेत्र है तो वहाँ के लोगों को नीट की, पीएससी की कोचिंग वहीं पर मिल सके, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी मेरी कोशिश होगी। बिल्कुल, ये हैं दिलीप जायसवाल जी और प्राथमिकता बहुत इन्होंने साफ कर दी, ना केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर बल्कि अपनी क्षेत्र के लिए भी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ भोपाल से प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि जो आशीर्वाद लेने पहुंचे उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते चले। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये शपथ ग्रहण करने के बाद पहुंचे थे और आशीर्वाद लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। और प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया समर्थक, कट्टर सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और इसकी वानगी 2020 में पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश ने देखी।
सिंधिया के एक इशारे पर उनके साथ उनके पीछे पीछे चल दिए और प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अब एक बार फिर यहां आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु चौरे उनसे बात करेंगे। वासु, आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे, अभी आज जो तस्वीर है कैबिनेट विस्तार हो चुका है और सभी तरह के समीकरण साधने की कोशिश की गई है, कुछ एक चेहरों को जगह दी, कुछ एक चेहरों को अभी मौका नहीं मिल पाया है, कुछ कयास अलग अलग तरह के लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़े इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जो पूरा संतुलन दिखाई दे रहा है कैबिनेट में, इससे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस किया हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए, लंबे समय से मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल का इंतजार हो रहा था और नतीजे आने के ठीक 22 दिन बाद जो है मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। 3 दिसंबर को नतीजे आए थे, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती, आज का दिन एक विशेष दिन के तौर पर सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी मनाती है और नए मंत्रिमंडल का गठन कर दिया। निश्चित तौर पर सरकार की पहली प्राथमिकता सुशासन ही होना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से बीजेपी ने तमाम दावे किए, वादे किए और मंत्रिमंडल में सभी संगठनों सभी जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश जो है वो निश्चित तौर पर की गई है। चाहे आप जातीय समीकरणों को देखिए, आप सियासी समीकरणों को देखिए, आप क्षेत्रीय समीकरणों को देखिए, और यही तमाम सारे वो फॉर्मूले हैं जिनको बीजेपी लगातार जिनको लेकर मंथन कर रही थी, जिन पर बात कर रही थी, ताकि आने वाले समय के जो लोकसभा के चुनाव हैं वहां पर इसका माइलेज मिल सके, इसका फायदा मिल सके। 28 मंत्रियों ने मध्यप्रदेश में शपथ ले ली है, जिनमें 18 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री जो हैं वो शामिल किए गए हैं। नए चेहरों में नरेंद्र शिवाजी पटेल का नाम आता है, जो उदयपुरा से जीत कर आए, रायसेन जिले का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद आप देखें तो वहां पर प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता, बड़े चेहरे, उनने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। केंद्र की राजनीति करते हुए ये लोग दिखाई देते थे और अब प्रदेश में बतौर मंत्री काम करेंगे। राव उदय प्रताप सिंह जो होशंगाबाद नरसिंहपुर के सांसद थे, गाडरवारा से वो विधायक बने तो उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर जगह मिली, शामिल कर लिया गया। थोड़ी देर पहले संपत्ति उइकी से हमारे सहयोगी प्रशांत बात कर रहे थे, मंडला से वो चुनाव जीत कर आई हैं और आदिवासी चेहरा, महिला चेहरा, उन्हें शामिल किया गया। निर्मला भूरिया का वहां पर नाम दिखता है। ओबीसी चेहरों की बात करें तो भोपाल से महिला और ओबीसी वर्ग से आने वाली कृष्णा गौर को शामिल किया, जो 1,00,000 से ज्यादा वोट से गोविंदपुरा सीट पर जिन्होंने जीत दर्ज की थी। तो मालवा अंचल हो, निमाण हो, आप महाकौशल चले जाइए, विंध्य चले जाइए, तमाम जगहों से जो चेहरे हैं वो इस पूरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और वरिष्ठों के साथ नए चेहरों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो बीजेपी ने तैयार किया है, जो आने वाले समय में अब बीजेपी के लिए एक मजबूत और केंद्र से लाकर के राज्य में बड़े चेहरों को भी मौका दिया गया और ये मजबूत कैबिनेट के गठन की एक कोशिश यहां भारतीय जनता पार्टी की है। आप रहिएगा हमारे साथ वासु। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ऐदल सिंह कसाना ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लोकसभा से के चुनाव में लोकसभा में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, ये काम हमारा रहेगा। मंडल ने शपथ ली है, मंत्री इंदल सिंह कंसाना इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज बड़ा दिन है, किस तरह से काम करेंगे? देखिए, जनता की सेवा के लिए हम लोगों को आज चुना गया है और डॉक्टर मोहन सिंह यादव साहब के नेतृत्व में हम प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगे और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट पाने की हमारी पहली प्राथमिकता। सर, आज अटल जी की जयंती भी है। हाँ, अटल जी की जयंती है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो गया है, इंदल सिंह कंसाना हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करने का काम जो है वो किया जाएगा। इस मणिशंकर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से बात। और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के बाद सीनियर मिनिस्टर इंदर सिंह परमार ने भी बातचीत की न्यूज 18 से खास बातचीत में। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सरकार की प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व ने हमें बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार करके दिया है, प्रदेश के विकास का काम करना हमारा लक्ष्य है। इंदर सिंह परमार एक बार फिर से मंत्री बनाए गए सरकार में। सर, क्या प्राथमिकता रहेंगी इस बार? सर, शिक्षा, हेल्थ के साथ विकास के मुद्दों के साथ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देश के प्रधानमंत्री के संकल्पों को पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार पूरा करेगी। सर, बहुत सारे ऐसे नेता जिन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई, कैसा कॉम्बिनेशन देखते हैं आप?
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कभी भी किसी कार्यकर्ता को कोई जवाबदारी दी जा सकती है, इसलिए एक आदर्श उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, मंत्रिमंडल के रूप में एक आदर्श उदाहरण पेश किया, ये कहना है इंदर सिंह परमार का, और जनता की सेवा का संकल्प लेकर हम काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए पार्टी नेतृत्व का आभार, और ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और ग्वालियर चंबल संभाग से राकेश शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, वो हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। भगवान की कृपा और पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है विकास को? अभी जिम्मेदारी आगे बढ़ने दो, और भगवान से यही प्रार्थना है कि इतनी शक्ति दे कि पूरी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से और तन्मयता से पूरी मेहनत के साथ निभाऊं। इस बार जो बड़े चेहरे यानी वरिष्ठ चेहरे तो हैं, युवा चेहरों पर भी भरोसा, आप जैसे युवाओं को कई तो पहली बार के विधायक, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब किसी नेतृत्व ने जो तय किया उसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते। हाँ। अब ये तो उनका विषय है, लेकिन क्या लगता है कि युवा पीढ़ी को आगे किया जा रहा है, उसके परिणाम देखने को आगे मिलेंगे क्या, जो सामने सबके आ जाएंगे आपके हमारे। तो देखिए, ये कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वरिष्ठ नेतृत्व ने जो फैसला किया है उसके परिणाम आगे मिलेंगे और इलाके का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जतावर के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18। तो मंत्री बनने के बाद नारायण कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी सुनवाते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं। नारायण सिंह कुशवाहा जी, सबसे पहले बहुत बधाई, और नई जिम्मेदारी है, कैसे लेंगे आप इसे? जिम्मेदारियां मिलती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देती रही है और कार्यकर्ता काम करते रहे हैं, उसी आधार पर हम काम करेंगे। इस बार ग्वालियर चंबल को भी पर्याप्त नेतृत्व मिला है? मिलता रहा है, पहले भी मिला है जी, और इस बार भी मिला है जी। वरिष्ठ नेतृत्व का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी पार्टी की और सरकार की प्राथमिकताएं हैं जी, जन कल्याण के काम जी, विकास के काम, और गरीब मजदूर जी, ये सारे लोगों के जी लिए काम करना, ये प्राथमिकताएं हैं। और इस मध्य प्रदेश को नंबर एक का प्रदेश बनाने के लिए, खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए, ये सारी प्राथमिकताएं पार्टी की भी है, सरकार की रहेंगी जी। कहा जा रहा है मंत्री पद के साथ आप लोगों के लिए 2024 की चुनौतियां भी हैं, तैयारियां करनी है? कोई चुनौतियां नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करते रहते हैं जी, और तमाम चुनाव आते हैं जी, उनके लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षित है जी, और समय समय पर पार्टी के दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, उस आधार पर हम सब लोग काम करते हैं। तो ये थे कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, और बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाना है, ये कह रहे हैं कुशवाहा जी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और वासु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, उन सभी समीकरणों को तो साधा गया, लेकिन एक पार्टी के अंदर भी कुछ एक बातें जो चल रही थी, जिसमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फैक्टर रहे इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में, जो एक इम्पैक्ट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ एक चेहरे उनके समर्थकों के इस बार नजर नहीं आ रहे कैबिनेट में, मसलन प्रभुराम चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता की अगर बात करें, तो ऐसे कुछ और चेहरे भी हैं जिन्हें उम्मीद जरूर रही होगी कि हो सकता है कि पार्टी इस बात को तरजीह दे, लेकिन सिर्फ तीन चेहरे ही उनके समर्थक अभी इस कैबिनेट में नजर आए। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ने कोशिश की है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन मंत्रिमंडल के तौर पर दिया जाए। ऐसे तमाम नेता जिनको बार बार मंत्रिमंडल के तौर पर, मंत्री के तौर पर शामिल किया जाता रहा है मंत्रिमंडल में, और जिन्हें लगातार अलग अलग संगठन में भी मौके जो हैं वो मिलते रहे हैं, उन्हें फिलहाल बीजेपी ने इस पूरे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। चाहे फिर आप बात उसमें प्रभुराम चौधरी की करें, गोपाल भार्गव की करें, सबसे सीनियर MLA हैं और प्रोटेम स्पीकर वो इसी नाते बने थे, और उन्होंने तमाम विधायकों को और जो अध्यक्ष बने उन्हें शपथ दिलाने
का काम जो है वो किया, और उसके बाद आप देखें भूपेंद्र सिंह का नाम वहां पर आता है। ये सारे बड़े नाम मध्य प्रदेश की सियासत के रहे, मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में ये तमाम नेता हमेशा से रहे, लेकिन फिलहाल इस मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं किए गए। अब ये देखने वाली बात होगी कि भले ही सिंधिया समर्थक चेहरे हों या फिर अन्य सीनियर नेता हों, इन्हें पार्टी आने वाले समय में क्या भूमिका देगी, क्या इन्हें संगठन में कोई काम दिया जाएगा, क्या इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाने की बीजेपी बिल्कुल और टीम अभी लोकसभा चुनाव के लिहाज से बनानी है। आपने बिल्कुल सही इस पर कहा कि ये अभी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक कोई नई जिम्मेदारी कोई यहां पर उन्हें दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत और जानकारी देने के लिए। वास्तु चौरे हमारे सहयोगी।